दोस्तों, अगर आपके भी मन में ये सवाल है कि SSD और HDD में क्या फ़र्क होता है, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं हार्ड डिस्क और SSD के बीच में जो डिफरेंस है उसको क्लियर करूंगा, और इसके साथ ही ये भी बताऊंगा कि कौन सी ड्राइव आपके लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी ड्राइव कितने प्राइस तक आ जाती है, कौन सी ड्राइव में फ़ायदा है और कौन सी ड्राइव में नुकसान है, टोटल डिटेल मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप भी इस टॉपिक पर इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं शशि शुक्ला टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, HDD और SSD के बीच में डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये दोनों किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले हम हार्ड डिस्क की बात कर लेते हैं, HDD की बात कर लेते हैं। HDD जो है ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है, लगभग 500 साल पहले की पुरानी टेक्नोलॉजी है, और जितने भी पुराने कंप्यूटर आते थे सब में हार्ड डिस्क ड्राइव ही आती थी। HDD और SSD दोनों में एक समानता है कि दोनों ही आपके डाटा को स्टोर करने का काम करती है, लेकिन हार्ड डिस्क में क्या होता है कि हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क लगी होती है, एक प्लेट लगी होती है जो कि घूमती है, इसमें मूविंग ऑब्जेक्ट होता है जो कि घूमता रहता है, और तब जाके इसमें आपका डाटा रीड एंड राइट होता है। इसके अंदर एक प्लेट लगी होती है जो पुराने ज़माने के जो ग्रामोफोन की प्लेट होती थी उससे मिलती जुलती एक प्लेट होती है, और वो प्लेट जब घूमती है तब इस पे आपका डाटा रीड एंड राइट होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि HDD पे लिखा होता है 5400 RPM, 7200 RPM, ये सब इस पे लिखा होता है। RPM का मतलब होता है कि मतलब एक मिनट में आपका वो डिस्क कितनी बार घूमता है, वो काउंट उस पे लिखा होता है, उसी को RPM कहा जाता है। तो ये आपकी जो हार्ड डिस्क है वो कुछ इसी तरीके से काम करती है कि उसके अंदर का जो पार्ट है, जो प्लेट है, वो घूमती रहती है और तब आपका डाटा रीड एंड राइट होता है। और हार्ड डिस्क जो होती है वो SSD की तुलना में बड़ी होती है, क्योंकि उसमें मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा छोटा नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरीके से आपकी हार्ड डिस्क काम करती है। अब बात करते हैं SSD की कि SSD कैसे काम करती है। तो SSD के अंदर चिप लगी होती है, जैसा कि आपने कभी रैम वगैरह देखा होगा या कोई मेमोरी कार्ड आपने देखा होगा, तो मेमोरी कार्ड क्या होती है, एक छोटी सी चिप होती है, उसी टाइप की इस पे चिप लगी होती है एक बोर्ड पे, उसी चिप के अंदर आपका डाटा स्टोर होता है। इसमें कोई मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं होते, और मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं होने की वजह से इसका साइज काफी कम होता है HDD की तुलना में। SSD में आपके PC की पावर की खपत भी कम होती है, क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होते, तो इसमें मोटर भी कोई नहीं लगी होती, तो इसमें बिजली की भी खपत कम होती है। SSD में वजन भी काफी कम होता है। SSD की रीड एंड राइट स्पीड आपके हार्ड डिस्क के रीड एंड राइट स्पीड से 5 या 6 गुना ज्यादा हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क यहाँ पे प्राइस का आता है, क्योंकि SSD HDD की तुलना में 2 या 3 गुनी ज्यादा महंगी होती है। जहां पे आपको 2500 से लेके 3000 रुपए के बीच में आपको 250 GB के आसपास SSD मिलती है, वहीं पे 3000-3500 रुपए के आसपास आपको 1 TB की हार्ड डिस्क मिल जाती है। तो यहाँ पे प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन प्राइस के साथ साथ स्पीड का भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर वहाँ पे प्राइस ज़्यादा लग रही है SSD में, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी शानदार मिलती है, रीड एंड राइट स्पीड ज़्यादा मिलती है। अगर इसको आप अपने कंप्यूटर का बूट ड्राइव बनाते हैं, मतलब कि जिसमें विंडोज इंस्टॉल करते हैं, जिसमें OS इंस्टॉल करते हैं, अगर उस ड्राइव के रूप में अगर आप SSD को यूज करते हैं, तो आपका PC काफ़ी फास्ट रहता है HDD के मुकाबले। आप PC ऑन करते हैं तो जो PC HDD के साथ 30 सेकंड लेता है ऑन होने में, वहीं पे SSD के साथ ये सिर्फ 8 से 10 सेकंड लेता है, इतने का फर्क होता है। अगर आप SSD के साथ PC बिल्ड करते हैं, तो जब भी कोई एप्लीकेशन आप लॉन्च करते हैं, तो वो एप्लीकेशन भी काफ़ी कम टाइम में रन हो जाता है आपके PC में, काफ़ी कम टाइम में लॉन्च हो जाता है। ये फायदे हैं SSD के। एक और फायदा है कि जो हार्ड डिस्क है वो सिर्फ SATA इंटरफेस से ही कनेक्ट होता है। हार्ड डिस्क को सिर्फ आप SATA केबल के माध्यम से ही अपने PC से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन SSD के अलग अलग फॉर्मेट आते हैं, जैसे कि M.2 NVMe वगैरह SSD भी आते हैं, जो नॉर्मल SATA SSD के मुकाबले काफ़ी आपको ज़्यादा स्पीड देते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि जो M.2 NVMe SSD है वो 6 GBPS तक रीड एंड राइट स्पीड आपको दे सकती है, केवल उसका इंटरफेस चेंज होने की वजह से। जो SATA के माध्यम से जो SSD कनेक्ट है वो आपको इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं दे पाएगी, क्योंकि SATA का एक लिमिट है कि वो इतने तक ही स्पीड दे सकती है। अब बात करते हैं कि आपके लिए क्या सही रहेगा, आपको HDD लेना चाहिए या SSD लेना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि SSD तो हर मामले में बेटर है HDD से, लेकिन SSD की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में मान लीजिए अगर आप कोई PC बिल्ड करते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक छोटी सी SSD, मतलब कम साइज के SSD, मान लीजिए 120 GB या 240 GB, जितने में आपका काम चल जाए मिनिमम, अपने सी ड्राइव के लिए जिसमें आप OS इंस्टॉल करते हैं उसके लिए सिर्फ आप SSD यूज करें, 120 GB या 240 GB, जितने में आपका काम चल जाए।
आप एक कम प्राइस की SSD यूज कर लें, और उसके बाद स्टोरेज के लिए अगर आप चाहें तो अलग से एक दूसरा हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, या अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो बूट ड्राइव के रूप में SSD यूज करें, और स्टोरेज के लिए आप चाहें तो USB हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, 1 TB 2 TB जितनी की आप चाहें उतने की आप हार्ड डिस्क अलग से लगा सकते हैं स्टोरेज के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा स्टोरेज के लिए अगर ज़्यादा साइज़ की SSD यूज करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगी आपको पड़ेगी। अगर आप 1 TB का SSD लेने जाते हैं तो आज के डेट में लगभग 10,000 तक उसकी प्राइस होती है एक SSD की। वहीं पे अगर आप 1 TB का हार्ड डिस्क यूज करते हैं तो USB हार्ड डिस्क भी अगर आप लेते हैं तो 3500 से लेकर 4000 के बीच में आपको मिल जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस है, लगभग 3 गुना ज़्यादा SSD महंगा है HDD के मुकाबले। इसके अलावा आपके सामने एक और चॉइस है कि अगर आप इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें, क्योंकि मैं और भी टेक्नोलॉजी वाली और आपके लिए काफी हेल्पफुल वीडियो लेके आता रहता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि HDD और SSD में क्या फर्क होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।